Hello and welcome in our next video. Today we are going to do our chapter 1 centimeter and we are starting from page number 24, second last paragraph. Toying decided to take the day off and go on an outing with Xiao Ye. Before it, what we have read? इससे पहले हमने क्या पढ़ा? इससे पहले हमने पढ़ा कि इसमें बताया गया था कि कैसे टाओ यिंग को एक टिकट मिली. कैसे मिली उसको टिकट? उसके साथ में काम करने वाले एक व्यक्ति, जियाविये नहीं, जियाविये तो उसका बेटा है, ठीक है, लाओ जिंग, कि उसका साथ में काम करने वाला एक उसका जो बेटा, जो साथी है लाओ चियांग, उसने उसे एक क्या किया था, एक टिकट दी थी. और वो टिकट किस लिए दी थी? वो टिकट दी थी उसे उसके पारितोषिक के रूप में, यानी कि उसको एक पुरस्कार के रूप में, क्योंकि यहाँ पर जो टाओ यिंग है वो लियाओ चियांग का हमेशा अप्रिशिएट करती थी, हमेशा प्रशंसा करती थी. तो उसने कहा कि चलो एक काम करते हैं कि इसको जो है वो रिवार्ड के रूप में एक टिकट दे देते हैं. जब टाओ यिंग ने कहा कि इट इज़ जस्ट ओनली सिंगल टिकट, तो लियाओ चियांग का जवाब क्या था? फॉरगेट योर हस्बैंड, भूल जाओ अपने पति को, टेक योर सन विद यू एंड अ बॉय who is less than 110 centimeter, ठीक है, doesn't require ticket. उसको टिकट की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए तुम उसे क्या करो, ले जाओ और अपने साथ में ले जा करके वहाँ पर दिखाओ. और उसकी जो माइंड है उसको थोड़ा एक प्रैक्टिकल व्यक्ति, क्योंकि लाओ चियांग एक प्रैक्टिकल व्यक्ति था, उसने कहा कि जाओ और उसका जो माइंड है वो थोड़ा सा खुल जाएगा. तो उसके आगे जो है वो पढ़ रहे हैं. लियाओ चिंग हैड ऑलवेज बीन टाओ यिंग डिसाइडेड टू टेक द डे ऑफ. तो टाओ यिंग ने निर्णय डिसाइड किया कि ओके आई विल टेक अ डे ऑफ. डे ऑफ मतलब छुट्टी लेना, कि मैं एक दिन की क्या है, मैं छुट्टी ले लूँगी एंड गो ऑन आउटिंग विद जियाओ ये, और मैं बाहर जियाओ ये के साथ में जो है वो घूमने के लिए जाऊँगी. आउटिंग का मतलब बाहर घूमने जाना. इट इज़ रेयर टू फाइंड सच ए लार्ज पैच ऑफ ग्रास इन द मिडल ऑफ द सिटी. ये भी बहुत ज़्यादा रेयर था, रेयर से मतलब दुर्लभ, बहुत मुश्किल होता था क्या करना, to find such a large patch, कि एक इतना बड़ा हिस्सा of grass, हरी भरी घास का, और वो भी कहाँ पर, in the middle of the city, शहर के मध्य. यानी कि जैसे मान लो अपने जयपुर शहर की हम बात करें, ठीक है, तो अगर आप बाहर निकलते हो तो हर तरफ आपको क्या दिखाई देगा, हर तरफ आपको केवल कॉन्क्रीट जंगल, यानी कि इमारतें बनी हुई दिखाई देंगी. और इन्हीं इमारतों के बीच में अगर आप कहीं पर आपको एक बहुत बड़ा एक हरा भरा गार्डन मिल जाए, तब कैसा महसूस होता है, ये लगता है वाकई यार ये बहुत अच्छी जगह है. तो यहाँ पर जब वो घूमने जा रहे थे, तो जब जैसे ही वो उतरे वहाँ से बस से, तो उनके सामने क्या था, एक बहुत ही हरा भरा गार्डन था, बागीचा था. इवन बिफोर दे गॉट देयर, देयर वाज समथिंग रिफ्रेशिंग, कि इवन बिफोर, इससे पहले कि वे वहाँ पर पहुँचे, देर वॉज समथिंग रिफ्रेशिंग, वहाँ पर कुछ ना कुछ क्या था, रिफ्रेशिंग, तरोताज़ा करने वाली चीज़ थी. समथिंग ग्रीन इन द एयर, हवा में अलग हरियाली सी जो है वो फैली हुई थी. एज इफ दे वर अप्रोचिंग ए वैली, उन्हें यूँ लग रहा था कि जैसे वो एक घाटी के अंदर पहुँच गए हैं, और ए वाटरफॉल या फिर एक झरना है, उस झरने के पास में वो पहुँच गए हैं, इतनी हरियाली वहाँ पर नज़र आ रही थी. जियाविये स्नेचेस द टिकट्स फ्रॉम हिज मदर. तभी अचानक जियाविये ने क्या किया, अपनी माँ से वो जो टिकट वो वापस से छीन लिए, और छीन करके वो आगे की ओर भाग गया. पुट्स इट बिटवीन हिज लिप्स, उसने एक बार फिर उसे अपने होठों के बीच में दबाया. पहले तो क्या कर रहा था, फूंक मार रहा था, अब उसने क्या किया, होठों के बीच में दबाया और फिर आगे की ओर भाग गया. एंड फ्लाइज टूवर्ड्स द गिल्डेड गेट्स, और सीधा दौड़ करके गया उन दरवाजों की तरफ ऑफ द टेम्पल, जो किसके थे, मंदिर के थे. अ लिटिल एनिमल रशिंग टू क्वेंच हिज थ्रस्ट, यूँ लग रहा था कि जैसे एक छोटा सा जानवर क्या कर रहा हो, वो अपनी प्यास बुझाने के लिए दौड़ करके तालाब के पास में पहुँच रहा हो, क्योंकि ये उसी के जैसा है. मान लो जैसे एक को जानवर है और वो प्यासा है, और उसे तालाब दिखाई दे जाए, तो वो क्या करेगा, दौड़ करके उसकी तरफ जाएगा. ऐसे ही जब ये बच्चा जो है, वो बच्चा क्या था, बहुत ज़्यादा उत्साहित था उस जगह को देखने के लिए, और जैसे ही वो जगह उसे दिखाई दी, उसने क्या किया, वो दौड़ करके उसके पास में पहुंच गया. टाओ यिंग सडनली फील्स अ लिटिल सैड, टाओ यिंग ने अचानक ही क्या महसूस किया, थोड़ा दुखी महसूस किया, उदास सा महसूस किया. इज द मियर अटेंशन ऑफ ए टेम्पल इनफ फॉर जियाविये, अब इसने क्यों ऐसा महसूस किया टाओ यिंग ने, क्योंकि अब तक वो उसके साथ में आ रहा था, और सडनली उसने क्या देखा, अचानक ही उसने देखा कि भाई वो तो भाग गया,
दौड़ गया, और जब वो दौड़ करके गया तो उसने एकदम से महसूस किया कि अब तक तो मेरे साथ था और केवल अपनी चीज़ देख करके मुझसे वो अलग हो गया, तो उसने थोड़ा दुखी महसूस किया अपने आप को। इज द मियर अट्रैक्शन ऑफ ए टेम्पल, कि क्या केवल एक आकर्षण किसका, एक मंदिर का, एक टेम्पल का, इनफ फॉर जियाओये, क्या वो जियाओये के लिए पर्याप्त है टू अबेंडन हिज मदर, अपनी माँ को त्यागने के लिए, अबेंडन मीन्स त्यागना, छोड़ना, कि अपनी माँ को त्यागना या छोड़ने के लिए, कि क्या केवल एक उसका आकर्षण ही काफ़ी है। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली सी बेनिसिस द थॉट्स, अचानक ही उसने क्या किया, अपने जो विचार है उन विचारों को उसने भगा दिया। हैजेंट शी ब्रॉट हर सन हियर टुडे टू मेक हिम हैप्पी, अचानक उसने मन में विचार है कि क्या मैं अपने बेटे को यहाँ पर खुश करने के लिए नहीं लाई हूँ। अब अपने बेटे को खुश करने के लिए आई हूँ तो वो अगर भाग रहा है तो मुझे खुश होना चाहिए, अगर वो किसी दौड़ लगा रहा है या वो इन्जॉय कर रहा है तो मुझे खुश होना चाहिए, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। द गार्ड एट द गेट इज़ अ यंग मैन ड्रेस्ड इन रेड टॉप एंड ब्लैक ट्राउजर। अब जैसे ही वो दरवाजे के पास में पहुँचे तो वहाँ पर एक गार्ड खड़ा था, एक पहरेदार जो है वो खड़ा था वहाँ पे। जो गार्ड है वो युवा व्यक्ति था, ड्रेस्ड इन रेड टॉप, उसने लाल रंग का तो टॉप पहना हुआ था, टॉप से मतलब शर्ट ये कह सकते हैं या जीन्स, सॉरी टी शर्ट वगैरह जो भी है, वो उसने रेड टॉप था एंड ब्लैक ट्राउजर, और ब्लैक कलर की उसने पैजामा यानी कि पैंट जो है वो पहनी हुई थी। टाओइंग फील्स सम हाउ दैट ही ओट टू हैव बीन इन येलो, टाओइंग ने अचानक ही महसूस किया कि यार इसे तो पीली पोशाक के अंदर होना चाहिए था, क्योंकि अब इसने जो पहन रखी है वो इस तरह से लगता है कि जैसे कि क्या हो, एक वेटर जो होता है उस तरह की ये पोशाक नजर आ रही है। दिस यूनिफॉर्म मेक्स हिम लुक समवॉट लाइक ए वेटर, कि इसकी ये जो यूनिफॉर्म है वो एक वेटर के समान दिखाई देती है। जियाओये नोज एग्जैक्टली व्हाट ही हैज़ टू डू, अब उधर जियाओये जो है उसको पूरी तरह से पता था कि उसे क्या करना है। मूविंग अमंगस द क्राउड ही सीम्स लाइक ए टिनी ड्रॉप ऑफ वाटर, अब वो आगे बढ़ रहा था भीड़ के अंदर, क्योंकि भीड़ तो थी वहाँ पे, लोग काफ़ी आए हुए थे देखने के लिए, तो वो जब वो भीड़ के अंदर से आगे की ओर बढ़ रहा था तो यूँ लग रहा था कि जैसे समुद्र में एक छोटी सी क्या हो, ड्रॉप हो, बूंद हो, क्योंकि बाकी सब तो क्या थे, बहुत ज़्यादा लोग थे और साथ में क्या थे, बड़े थे, और इनके बीच में छोटा सा बच्चा अकेला ही भागता हुआ जा रहा था। इट सीम्स लाइक ए टीनी ड्रॉप ऑफ वाटर इन द करंट ऑफ ए लार्ज रिवर, यूँ लगता था कि जैसे एक बहुत तेज नदी का बहाव है और उस नदी के बहाव के अंदर ये लड़का जो है वो क्या है, एक बूंद के समान था, यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पर थी, कहने का मतलब है देयर वॉज अ लार्ज क्राउड ओवर देयर। द यंग मैन टेक्स द टिकट्स फ्रॉम हिज माउथ एज ही वॉज पासिंग, मीन्स द जियाओये पास द बैरिकेड्स और द गेट बाय द गार्ड, गार्ड सडनली स्नैच्ड टिकट्स फ्रॉम हिज माउथ, गार्ड ने क्या किया, अचानक ही उसके मुंह से जो टिकट है उसको छीन लिया, उसको ले लिया उसने। प्लकिंग ए लीफ फ्रॉम अ स्प्रिंग ब्रांच, इस तरह से जैसे कि हम क्या करते हैं एक स्प्रिंग के समय, ठीक है, एक पेड़ की जो पत्ती है उसको हम तोड़ लेते हैं ना, अचानक एक फटाक से तोड़ लिया, ऐसे ही उसने क्या किया, उसके मुँह होठों से जो है वो एकदम से एक टिकट जो है वो निकाल ली। टाइंग्स गेज सॉफ्टली एनवलप्स हर सन, टाइंग की जो नज़र है वो सीधा अपने बच्चे की ओर ही थी, वो उसी को देख रही थी। ए स्ट्रैंड ऑफ सिल्क अनवाइंडिंग टूवर्ड्स हिम, और उसने क्या देखा कि ए स्ट्रैंड, एक भीड़ ऑफ सिल्क यानी कि सिल्की पोशाक सी पहनी हुई, अनविंडिंग टूवर्ड्स हिम, वो बिना रुके हुए उसकी तरफ आगे जो है वो बढ़ रही थी अपने बच्चे की तरफ। फॉलोइंग हिज एवरी गेस्चर, वो उसके हर गेस्चर को, गेस्चर मीन्स मूवमेंट, उसकी हर हलचल को वो वहाँ पर देख रही थी। टिकट द यूथ इन रेड बार्स हर वे विद वन आर्म एज ही ट्राई टू क्रॉस द गेट द गार्ड स्टॉप्ड हिम। बार्स, बार का मतलब अवरोध पैदा करना, सलाखें होती है ना उनको बोलते हैं, बार यानी कि रोक लेना आप या कह सकते हैं स्टॉप। जैसे ही वो द यूथ इन रेड बार्स हर द यूथ इन रेड, वो लाल रंग के अंदर जो पोशाक पहने हुए वो लड़का था यानी कि जो गार्ड था, बार्स वे हर वे यानी कि उसने उसके रास्ते को रोक लिया विद वर्म वन आर्म, यूँ आगे बाजू करके कि भाई रुक, आगे नहीं जाना आप, ठीक है। और उसने क्या मांगा, क्या बोला उसे, टिकट दो अपने। हिज वॉइस एज पिथी एज इफ ही वॉज स्पिटिंग आउट डेट स्टोन, हिज वॉइस इज एज पिथी, उसकी आवाज़ जो है वो इस प्रकार से लग रही थी जैसे कि वो क्या कर रहा हो, अपने मुंह से कोई डेट्स या डेट स्टोन यानी कि कोई एक खजूर का जो एक अंदर आता है ना, गुठली आती है, उसको वो थूक रहा हो, ऐसी आवाज़ आ रही थी। उस वक्त आती है ना थोथली सी आवाज़, वैसी आवाज़ उस लड़के की आ रही थी, उस गार्ड की आ रही थी। टाइंग पॉइंट्स एट हर सन विद इन्फिनाइट टेंडरनेस,
टाइंग ने क्या किया, उसने सिर्फ अपने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया, और वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा कोमलता के साथ में, प्रेम के साथ में, कि भाई उसके पास टिकट थी तो सही, तुमने ले तो ली, तो उसने इशारा कर दिया उसकी तरफ, पर वो अभी भी नहीं माना। उसको पता था कि भाई जाना तो पड़ेगा, देनी तो पड़ेगी। उसने बता दिया भाई ठीक है, उसको टिकट लगती नहीं है उसकी, तो वो छोटा है तो वो टिकट ले गया, यानी कि मेरी टिकट उसके पास में है। सी फील्स दैट एवरीबॉडी शुड सी हाउ लवली ही इज़, और वो ये महसूस करती है कि जैसे हर कोई, ठीक है, उस हर किसी को उसके बच्चे को देखना चाहिए कि कितना प्यारा वो बच्चा है। आई एम आस्किंग फॉर योर टिकट, द रेड यूथ डज नॉट बज। वो जो युवा लड़का था वो बिल्कुल भी अपनी बात से हिला नहीं, उसने कहा मैं तो तुम्हारी टिकट मांग रहा हूँ भाई, तुम मुझे उसकी तरफ क्या इशारा कर रही हो, गिव मी योर टिकट, आई एम डिमांडिंग फॉर योर टिकट, मैं तुम्हारी टिकट के लिए मांग कर रही हूँ। तो अब वो क्या कहता है कि डिडंट द चाइल्ड जस्ट गिव इट टू यू, किसने कहा, लड़की ने कहा, लड़की ने, लड़की मतलब माँ ने, कि क्या बच्चे ने अभी आपको टिकट नहीं दी, भाई तुमने उससे टिकट लिया ना अभी बच्चे से, डिडंट द चाइल्ड गिव यू गिव इट टू यू। टाउइंग वॉइस इज पीसफुल, टाउइंग की जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, पीसफुल थी, यानी कि शांतिपूर्वक थी। उसने कहा कि क्या उस बच्चे ने टिकट आपको अभी नहीं दी है, तुमने उसे ली तो है ना अभी। द बॉय इज़ टू यंग, लड़का जो है वो बहुत ज़्यादा क्या था, यंग था, युवा था, ठीक है, एंड ईयर्स अवे फ्रॉम बींग ए फादर, और एक पिता बनने से काफ़ी सालों दूर था। कहने का मतलब है कि अभी वो शादीशुदा की होने की एज में नहीं था, काफ़ी ज़्यादा यंग था, कहने का मतलब ये है लगभग 15-16 साल के आसपास का होगा, इस प्रकार का वो लड़का था। एंड सी थिंक्स, वो सोचती है टाउइंग इज़ नॉट वर्किंग टुडे, कि टाउइंग जो है वो आज काम नहीं कर रही है, एंड इज़ इन रियली गुड मूड, और वो आज वास्तव में क्या है, एक अच्छे मूड में है, वरना काम करने वाली महिलाएं तो अच्छे मूड में वैसे नहीं होती। इसे पूछ लो, बहुत सारे लोग आते हैं, अब कौन सी क्या क्या बात करते हैं, तो आदमी वैसे ही खींच जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद में सही भी आता है तो उसको भी यूँ खा, जो कुत्ता हड्डी की तरफ गिरता है ना ऐसे, वैसे उसको बोलते हैं हाँ क्या है बोलो। शी इज़ हैप्पी टू बी पेशेंस, आज वो क्या है कि पेशेंस, धैर्य रख करके वो बहुत ज़्यादा क्या है, खुश है। दैट वॉज हिज टिकट, नाउ आई नीड टू सी योर्स। अब लड़के ने भी कह दिया कि दैट वॉज हिज टिकट, ये तो उसकी टिकट थी, अब मैं तुम्हारी टिकट देखना चाहता हूँ, वो तो दो। द यूथ रिमेन्स अनमूव्ड, वो यूथ अभी भी क्या था, अनमूव्ड था, वो अपनी बात से हिला नहीं। टाइंग हैज़ टू पोज फॉर ए मोमेंट, टाइंग को एक क्षण तो क्या है, रुकना पड़ा। बिफोर इट सिंक्स इन, देयर आर टू ऑफ देम एंड दे नीड अ टिकट ईच, कि इट सिंक्स, इस बात को ग्रहण करने में कि दैट देयर आर टू ऑफ देम, कि यहाँ पर वो दो लोग हैं, एंड दे नीड अ टिकट ईच, और हर एक की, यानी कि दोनों को ही टिकट की आवश्यकता है, इस बात के लिए, ठीक है, उसको थोड़ा समझना पड़ रहा था। आई थॉट दैट चिल्ड्रंस वर एक्सेम्प्ट, शी इज़ कन्फ्यूज्ड, वो अब थोड़ा कन्फ्यूज थी, भ्रमित सी थी। उसने कहा कि आई थॉट, मैंने सोचा कि जो बच्चा है उसको तो क्या है, एक्सेम्प्ट मिला होगा, एक्सेम्प्ट मतलब छूट, कि उसको तो छूट मिली होगी ना, उसकी हाइट नहीं है इतनी। ममा हरी अप, तभी बच्चा दूर से चिल्लाया, ममा जल्दी आओ, ज़ियाओये शाउट्स टू हर फ्रॉम इनसाइड द डोर, तभी ज़ियाओये जो है वो चिल्लाता है उसकी तरफ, इनसाइड द डोर, इनसाइड द डोर मतलब दरवाजे के दूसरी तरफ से, अंदर से। ममा इज कमिंग, टाइंग शाउट्स बैक, टाइंग चिल्लाते कहा हाँ हाँ बेटा ममा आ रही है अभी, मत चिल्लाओ। ए क्राउड इज बिगनिंग टूगेदर, तभी एक भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई वहाँ पे, क्योंकि अब पता है कि जहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं लोग, वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। अब आप चाहे वहाँ पे एक पत्थर डाल दो और पत्थर के ऊपर यूँ करके खड़े हो जाओ, बोले ये क्या है, हकीकत है ये। आप रास्ते में एक पत्थर के पास में जाके खड़े हो जाना, यूँ सोच के खड़े हो जाना और देखते रहना, आप थोड़ी देर देखोगे तब एक दूसरा आदमी भी कोई इनको आकर के आपके पास खड़ा होकर के देखने लग जाएगा, पूछ लेगा क्या देख रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो, आप बता देना यार इस पत्थर में मुझे कुछ दिखाई दिया था, समझ लो इकट्ठा। ये आदत है, टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है एक बनी बनाई। तो वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होने लगी, तमाशा भी इन सब इकट्ठा होने लगे, क्योंकि सब तमाशा देखने वाले तो सारे के सारे होते हैं। अब तुम दोनों आज अभी आ लड़ना शुरू कर दो, थोड़ी देर में एक दूसरे के बाल पकड़ लो चाहे झूठे ही पकड़ लो, सब इकट्ठा हो जाएंगे, बोले ये क्या हो रहा है। तो भीड़ इकट्ठा होने शुरू हो गई, सो मैनी फिशेज स्वामिंग टूवर्ड्स ए ब्राइट लाइट, कि जिस प्रकार से बहुत सारी जो मछलियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, चमकीली रोशनी की तरफ आती हैं, यानी कि समुद्र में होता है अगर आप लाइट मारोगे ना, ये पानी के अंदर आप रोशनी डालोगे तो आसपास की जितनी भी मछलियाँ होगी वो उस रोशनी की तरफ दौड़ करके आएंगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि यहाँ कुछ है। तो ऐसे ही वो भीड़ वहाँ पर उसकी तरफ आने लगी एकदम से। टाइंग स्टार्ट्स टू पैनिक, अब वो थोड़ा घबराना शुरू हो गया, पैनिक मतलब घबराना।
अब टाओइंग जो है उसको थोड़ा सा घबराना शुरू हो गई. सी वांट्स दिस फ्रेसिस टू एंड, वो इस विवाद को यहीं पर, इस मामले को यहीं पर ख़त्म करना चाहती थी. फ्रेसिस मतलब मामला, कि वो इस मामले को यहीं पर ख़त्म करना चाहती थी. हर चाइल्ड इज़ वेटिंग फॉर हर, उसे पता है कि उसका बच्चा उसके लिए क्या कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है. हु टोल्ड यू ही डजंट नीड ए टिकट, तभी बच्चा उस गार्ड ने पूछा, अरे भाई तुम्हें किसने बता दिया कि टिकट की आवश्यकता नहीं है. द गार्ड टिल्ट्स हिज हेड द मोर ऑन लुकर्स द बेटर, जो गार्ड है टिल्ट्स हिज हेड, वो अपने सर को यूं हिला ला करके कहता है जोर जोर से, ठीक है, द मोर ऑन लुकर्स द बेटर, ताकि जो देखने वाले हैं उनको ज़्यादा अच्छी तरह से उसकी बात समझ में आए. इट सेज सो ऑन द बैक ऑफ द टिकट, तो टाओइंग ने भी कह दिया कि भाई ये टिकट के पीछे की तरफ लिखा हुआ है कि भी एक बच्चा जिसकी हाइट जो है 110 सेंटीमीटर से कम है उसके लिए टिकट नहीं लगती. फिर क्या बात है, एग्जैक्टली व्हाट डज इट से, उसने कहा हाँ निश्चित रूप से, व्हाट डज इट से, क्या कहता है वो, क्या लिखा है उसमें. द बॉय इज ऑब्वियसली नॉट ए प्रोफेशनल, कि ये बच्चा जो है वो निश्चित रूप से प्रोफेशनल नहीं है, व्यावसायिक नहीं है. इट सेज दैट चिल्ड्रन अंडर 110 सेंटीमीटर डो नॉट हैव टू पे, टाओइंग ने फिर पढ़ करके सुनाया उसको, बोल दिया कि इसमें लिखा हुआ है, यानी कि पूछा उसने कि एग्जैक्टली बताओ मुझे क्या लिखा हुआ है. उसने कहा कि उसमें लिखा हुआ है दैट एक बच्चा जो 110 सेंटीमीटर से नीचे है डू नॉट हैव टू पे, उसे पैसा देने की आवश्यकता नहीं है. टाओइंग इज़ इन फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, टाओइंग जो है वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी. सी मूव्स टू पिक अप वन ऑफ द टिकट्स फ्रॉम ए बॉक्स, वो आगे बढ़ी क्या करने के लिए, एक टिकट उठाने के लिए जो वहाँ पे बॉक्स में थी. कैसे बॉक्स में, कैसे कि मान लो आप जा रहे हो, आपसे टिकट ली बॉक्स में डाल दी, फिर आपसे टिकट ली बॉक्स में डाल दी, इकट्ठा कर लेते हैं ना वो. अब टाओइंग ने सोचा कि भाई ठीक है बॉक्स में टिकट पड़ी है, मैं इसको उठा कर दिखा दूँ. अब वो जैसे ही आगे बढ़ी उसने रोक लिया, भाई क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, क्यों. उसे लगा कि शायद वो टिकट उठा ले वहाँ से और बोल दे भी हाँ ये लो टिकट, मेरे पास टिकट है. तो गार्ड ने उसको एकदम से रोक लिया, बोले नहीं 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 टिकट नहीं उठानी भाई. टाइंग रियलाइजेज शी शुड नॉट हैव टच, सॉरी हाँ, एंड रीड्स आउट व्हाट इज प्रिंटेड ऑन द बैक फॉर ऑल टू हियर, और वो चाहती थी कि भी वो पढ़े सबको सुनाने के लिए कि उस टिकट के पीछे क्या लिखा हुआ है. स्टॉप राइट देयर, तभी उसने बोला वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ना. द यूथ हैज टर्न नेस्टी, जो यूथ है वो थोड़ा सा नेस्टी हो गया. नेस्टी से मतलब आग बबूला हो जाना, गुस्से में आ जाना, वो थोड़ा गुस्से में आ गया. टाओइंग रियलाइजेस शी शुड नॉट हैव टच द बॉक्स, तभी टाओइंग ने महसूस किया कि उसे उस बॉक्स को नहीं छूना चाहिए. एंड क्विकली विथड्रॉज हर हैंड, और तुरंत अपने हाथ को वापस उसने खींच लिया, वहाँ से वो टिकट नहीं उठाई. सो यू आर फेमिलियर विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर यू, नाउ द यंग मैन एड्रेसेस हर विद द फॉर्मल यू. अब जो है, अब युवा व्यक्ति था, इससे पहले तो थोड़ा सम्मान दे रहा था, अब उसने एक फॉर्मल यू से स्टार्ट कर दिया. फॉर्मल यू से मतलब पहले तो आप कर रहा था, अब वो सीधा तू पे आ गया, सीधा बोला हाँ अब बता क्या बात है. सो यू आर फेमिलियर विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर यू, जिसने पूछा इसका मतलब है तुम फेमिलियर हो. फेमिलियर मतलब फेमिलियर परिवार की, फैमिली से बना ना फेमिलियर, परिचित. फैमिलियर का मतलब होता है परिचित. कि सो यू आर फेमिलियर, इसका मतलब है तुम बहुत ज़्यादा परिचित हो रूल्स और रेगुलेशंस के साथ में, क्या तुम हो. नाउ द यंग मैन एड्रेसेस हर विद द फॉर्मल यू, अब जो युवा व्यक्ति है वो उसको क्या करता है, एड्रेस करता है फॉर्मल यू. ठीक है, फॉर्मल क्या होता है, औपचारिक, एक औपचारिक यू, यू यानी कि तुमसे, तुम के नाम से वो जो है वो संबोधित करता है. टाओइंग डिक्टेट्स द स्कास्म इन हिज टोन बट शी सिंपली नोट्स. टाओइंग जो है वो डिक्टेट करती है, यानी कि उसे पता लगता है कि भाई कहीं ना कहीं एक कठोरता, एक स्कास्म जो है वो उसकी टोन के अंदर है, उसकी आवाज़ के अंदर है. वो मुझे थोड़ा सा अब अपमानित करने वाली भाषा में बात कर रहा है, परंतु उसके बावजूद वो हल्के से गर्दन को हिलाती है. उसने कहा हाँ मुझे पता है रूल्स और रेगुलेशंस क्या है. वेल ठीक है, योर सन इज़ ओवर 110 सेंटीमीटर, ही सेज विद सर्टेनिटी. तो वो व्यक्ति पूरी निश्चितता के साथ कहता है कि तुम्हारा जो बेटा है वो क्या है, 110 सेंटीमीटर से ऊपर है. बात खत्म हो गई. उसने कहा नो ही इज़ नॉट, नहीं वो नहीं है. टाओइंग इज स्टिल स्माइलिंग, टाओइंग अभी भी क्या कर रही थी, मुस्कुरा रही थी, मुस्कुरा रही है. एवरीबडी बिगन्स टू लुक एट द मदर विद सस्पिशन, हर कोई जो है वो माँ को क्या करने लगा, एक संदेह की दृष्टि से देखने लगा. ही जस्ट रैन पास्ट द मार्क, ठीक है वो अभी अभी जो है वो उस मार्क, वहाँ पे एक निशान लगा रखा था. ठीक है, उसने कहा कि तुम्हारा लड़का अभी अभी उस निशान के पास से गुजरा है. ठीक है, आई सॉ इट क्लियरली, मैं उसे पूरी तरह से देखा था मैंने. द गार्ड इज इक्वली फर्म, लड़का जो गार्ड है वो भी पूरी तरह से दृढ़ निश्चय था. उसने कहा मैंने देखा है वो उससे नीचे है.
पॉइंटिंग एट अ रेड लाइन, इशारा करते हुए एक लाल रंग की लाइन की तरफ ऑन द वॉल, जो दीवार के ऊपर थी, विच लुक्स लाइक एन अर्थ वर्म, जो किसके समान दिख रही थी, एक अर्थ वर्म, एक कीड़े के समान नजर आ रही थी, इंचिंग अक्रॉस द रोड आफ्टर ए रेनस्टॉर्म, यूं लग रहा था कि जैसे वो इंच इंच करके एक सड़क को पार कर रहा हो एक बरसात के बाद, बरसाती तूफान के बाद में, यानी कि आड़ी टेढ़ी एक लाइन खींच रखी थी जो ये इंडिकेट कर रही थी कि ये हाइट जो है वो 110 सेंटीमीटर की है। जैसे मान लो दीवार है, दीवार के ऊपर खींच करके छोड़ दी, भी ये हाइट जो है वो 110 सेंटीमीटर की है, और इससे जो है वो अगर ऊपर है कोई तो उसकी टिकट लगेगी। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। Thank you and have a nice day.